तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सीरीज में कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पार्सिंग किस तरह से की जाती है। पिछले वीडियो में तो हमने जो पार्सिंग देखी थी वो तो कंपाइलर में करने के लिए थी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था पार्सिंग का, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किस तरह से की जाती है तो चलो आज के वीडियो में हम देखते हैं। तो आपके सामने एक गिवन ग्रामर दिया गया है, गिवन इनपुट दिया गया है और जिन दोनों को मिला के मुझे क्या बनाना है, एक पार्स ट्री जनरेट करना है। अभी जो गिवन ग्रामर है वो पुराना नहीं है, एस विस नहीं है, यहाँ पे मेरे को रियल ग्रामर दिया गया है और इनपुट दिया गया है। तो एनएलपी में मैं किस तरह से पार्सिंग करूंगा वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रामर को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मेरा सेंटेंस है ये मेरा रूट नोड होता है हमेशा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज डिफाइंड नाउन फ्रेज फॉलोड बाय वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज की बात क्या आएगा, वर्ब फ्रेज आएगा। नाउन फ्रेज क्या डिफाइन कर रहा है, नाउन फ्रेज रिप्रेजेंट एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन फ्रेज एंड एडजेक्टिव फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। वर्ब फ्रेज क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर वर्ब फॉलोड बाय एन एडवर्ब। एडजेक्टिव में क्या क्या आ सकता है, ए द लिटिल। सिंगुलर नाउन क्या है, बॉय। सिंगुलर वर्ब क्या है, रैन। एडवर्ब क्या है, क्विकली। तो आप बोलोगे यार ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं समझ रही। अबे आप, मैंने आपको s इज इक्वल टू ई प्लस ई तो आपको मैंने पूछा था क्या e का मतलब क्या है, नहीं ना। जब आप आगे सॉल्व कर रहे थे तो समझ रहा था। तो ये सिंपल सा, ज़्यादा डीप में मत गुस्सो मत, चीज़ें समझेगी धीरे धीरे, देखते हैं। तो ये मेरा गिवन ग्रामर है, सिंपल सा बोला गया है कि मेरे को इस ग्रामर से एक इनपुट जनरेट करना है, द लिटिल बॉय रैन क्विकली। तो सबसे पहले सेंटेंस जो मेरा रूट नोड है उससे मैं दो चीज़ें खोलूंगा, नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज। मुझे क्या करना है, द लिटिल बॉय रैन क्विकली जनरेट करना है ना। तो मैं सेंटेंस ऐसा क्या जनरेट करूँ, मतलब इस ग्रामर से, कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखने का और बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। तो सेंटेंस को मैंने दो फॉर्म में, मतलब यही कर सकते थे और तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो नाउन फ्रेज फॉलोड बाय वर्ब फ्रेज। अब नाउन फ्रेज, जो नाउन फ्रेज है इसको या तो मैं एडजेक्टिव और नाउन फ्रेज ले सकता हूँ, एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन लूंगा। अब मुझे तीन चीज़ें चाहिए, आप समझ रहे हो क्या, क्योंकि वर्ब में तो मैं दो ही वर्ड लिख पाऊंगा ना, लेकिन मेरे को तो तीन वर्ड चाहिए। तो इसलिए मैं नाउन फ्रेज के बाद एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन फ्रेज लूंगा। अब मैं आ गया वापस, अभी भी मेरे पास नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज को यहाँ पे मैं दो आराम से ले सकता हूँ, एडजेक्टिव फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। उसी तरह से वर्ब फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज क्या है अपना, सिंगुलर वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब। तो वर्ब फ्रेज तो सिंगुलर वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मेरे पास तीन ऑप्शन है, अ द लिटिल। अब तीनों में से मैं कुछ भी ले सकता, लेकिन मुझे शुरुआत में क्या चाहिए, द। इसी तरह से यहाँ के एडजेक्टिव में वो क्या चाहिए, लिटिल, तो मैं लिटिल लूंगा। सिंगुलर नाउन क्या है, बॉय। अभी सिंगुलर वर्ब क्या है, रैन। और एडवर्ब क्या है, क्विकली। बन गया मेरा ग्रामर। तो इस तरह से, मतलब मैंने तो ऊपर ऊपर से बताया, मशीन अपने से बहुत स्मार्ट करती है भाई, वो लोग बहुत स्मार्ट होती है। तो इस तरह से ग्रामर से और इनपुट से अपन अपना पार्स ट्री जनरेट करते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो पार्सिंग इस तरह से की जाती है, इसमें नाउन फ्रेज फॉलोड बाय वर्ब फ्रेज होता है और इस तरह से वो ग्रामेटिकली चेक भी करता है। अगर नहीं बन रही पार्स ट्री, मतलब वो बोलेगा भाई ये तो नहीं बन रही, तेरे ग्रामर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इतना क्लियर हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग। कॉन्सेप्ट क्या है, टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग, वो किस तरह से की जाती है। ये मेरा गिवन ग्रामर दिया गया है और मुझे टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग करनी है। तो चलो जनरेट करते हैं। ये मेरा ग्रामर है, बुक दैट फ्राइट मेरा इनपुट है, मेरे को टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग करनी है। तो सबसे पहले मेरा जो सेंटेंस है रूट नोड, वो क्या जनरेट कर रहा है, जो मेरा रूट नोड है वो जनरेट कर रहा है एक वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या जनरेट कर रहा है, वर्ब फॉलोड बाय नाउन फ्रेज। अभी नाउन फ्रेज क्या जनरेट कर रहा है, डिटर्मिनेंट फॉलोड बाय नॉमिनेटिव केस, या फिर नॉमिनल केस कहते हैं इसको। ये नाउन ही होता है, नॉमिनल केस इज रिप्रेजेंट एज नाउन एंड प्रोनाउन। इतना क्लियर हो गया। अब वर्ब क्या है, वर्ब मेरा बुक है। डिटर्मिनेंट क्या है, दैट। नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन। और वो क्या है, फ्लाइट, FLIGHT। तो बुक दैट फ्लाइट मैंने ये टॉप डाउन पार्सिंग से किया। तो टॉप डाउन पार्सिंग क्या है, जो रूट नोड से शुरू करके अपना इनपुट जनरेट करता है, इसको कहते हैं टॉप डाउन पार्सिंग। अब बॉटम अप पार्सिंग में क्या करते हैं, हम लोग अपने इनपुट से अपना रूट नोड जनरेट करते हैं, उसको कहते हैं बॉटम अप पार्सिंग। तो सबसे पहले बुक, बुक क्या बन रहा है अपना, बुक इज वर्ब। दैट क्या है मेरा, डिटर्मिनेंट। फ्लाइट क्या है मेरा, नाउन। अभी वर्ब, वर्ब मेरे पास वर्ब फ्रेज बना रहा है, लेकिन अभी का अभी तो मैं इसको वर्ब फ्रेज नहीं बना सकता, ठीक है। तो अभी दैट, दैट और नाउन, नाउन कुछ और बन रहा है क्या, नाउन ये जो सिंगुलर नाउन है ये ऊपर जाके नॉमिनल नाउन बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो डिटर्मिनल और नॉमिनल नाउन, डिटर्मिनल और नॉमिनल नाउन क्या बनता है, नाउन फ्रेज बन रहा है।
और नाउन फ्रेज और वर्ब क्या बनता है? वर्ब फ्रेज बनता है और वो बनता है मेरा एस। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैं अपने इससे इनपुट टेक्स्ट से, मतलब मेरे जो हाँ इनपुट टेक्स्ट से ही ना, इनपुट टेक्स्ट से अगर मैं अपना रूट नोड बना पा रहा हूँ तो इसको कहते हैं बॉटम अप पार्सिंग, और अगर मैं अपने रूट नोड से मेरा इनपुट टेक्स्ट बना पा रहा हूँ तो इसको कहते हैं टॉप डाउन पार्सिंग। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन लेकिन ये तो मैंने एक छोटा सा ग्रामर लेके ले लिया। कभी कभी कैसा होगा पता है, एक ट्री नहीं बनेगी, चार पांच ट्री बनेगी, क्योंकि बहुत सारे वेराइटीज होगी। तो उसमें क्या होगा, चार पांच ट्री में से एक ट्री आपकी सही रहेगी, तो आपको बेस्ट जो भी बेस्ट सूट हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई ये वाला सही है। और अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक आ रही है तो उसमें चेक करना है कि भाई कहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक आ रही है। तो पार्सर का मेन रोल यही होता है कि ग्रामेटिकली चेक करना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कि जो मेरा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं। इसी के साथ साथ पार्सर का मेन रोल होता है पार्स ट्री जनरेट भी करना। कुछ और रोल्स भी होते हैं उसके, जैसे अगर इसका एक रोल है कि अगर कोई बेसिक कॉमन एरर आ रहे हैं ना तो वो खुद ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाना, बीच में रुकना नहीं, समझ रहे हो। तो बस ये था आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और आगे की वीडियो में हम और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के वीडियोज देखेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए एंड हैव अ नाइस डे।